विधानसभा जो असेंबली इलेक्शन का पूरा नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल पूरी हुई है, आज नॉमिनेशन की स्क्रूटिनिंग का काम चालू है। पूरे जिले में 9 असेंबली सेगमेंट में ने करीबन 3,276 पोलिंग स्टेशन पे पोल होगा, उसमें करीबन 32,02,751 वोटर्स वोट डालेंगे। पूरे जिले में आचार संहिता का काम पूरी पैमाने पे बड़ी जोर से चालू है। हमारा इंस्पेक्शन का काम एपीएसटी एसएसटी पूरे जोर से काम पे लगी है। करीबन अपने जिले में होम वोटिंग का जो है, जो दिव्यांग वोटर्स है, जो पीडब्ल्यूडी वोटर कहा जाता है उनको, वो 27,964 दिव्यांग वोटर है जो घर पे वोटिंग कर सकते हैं, और 85 से ज़्यादा इनकी उम्र है, ऐसे 40,577 वोटर्स है। लेकिन जो घर पे वोट करने के लिए जो फॉर्म जो नमूना 12D भर के देना था, जो हमारे BLO की तरफ से हर एक मतदाताओं के घर जाके उन्होंने वो फॉर्म 12D भर के लेने की प्रोसीजर पूरी की है, उसमें जो 85 प्लस के जो मतदार है उन्होंने सिर्फ 3,537 वोटर्स ने कहा है कि हम घर पे वोटिंग करेंगे, और जो PWD वोटर है उसमें सिर्फ 715 इतने दिव्यांग वोटर्स ने हमको घर पे वोटिंग होना करके अप्लीकेशन दिया है। तो ये दोनों मिला के 4,252 वोटर्स है जिन्होंने घर पे वोटिंग करने की इच्छा जताई है, तो हम उनको उनका घर पे जाके वोटिंग लेंगे। मुझे खुशी है कि दिव्यांग और 85 प्लस के बहुत सारा मतदाता ने पोलिंग स्टेशन पे आके वोटिंग करने का अपना इरादा जाहिर किया है, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग करके वो ये लोकसभा अपना विधानसभा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। अभी जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई है, कल तक, कल आखिरी दिन था, तो पूरे जिले में 437 कैंडिडेट ने फॉर्म भरे है, वो फॉर्म की संख्या है 613। तो ये फॉर्म की संख्या 613 है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो 437 है। आज अभी छानने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है, छानने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कितने लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट होते हैं और कितने लोगों का एक्सेप्ट होता है, ये शाम तक आपको हम पूरी मालूम दे देंगे। 4 तारीख तक विड्रॉल लेने का टाइम है, तो 4 तारीख के 3 बजे तक विड्रॉल ले सकते हैं, तो 3 बजे के बाद एग्जैक्ट कितने कैंडिडेट मैदान में रहेंगे पता चलेगा, वो भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू। अगर एक कैंडिडेट ने 4 फॉर्म भरा है तो चारों नहीं, अगर 4 फॉर्म भरे तो उसमें एक एक्सेप्ट होगा, एक रिजेक्ट होगा, ऐसा भी हो सकता है, 2 एक्सेप्ट होंगे 2 रिजेक्ट होंगे ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है चारों भी रिजेक्ट होंगे। लेकिन अगर चारों भी एक्सेप्ट हुए है तो कैंडिडेट एक ही रहेगा, और विड्रॉल अगर उन्होंने एक भी अर्ज दे दिया तो वो सारे नॉमिनेशन उनके विड्रॉल में जाएंगे, क्योंकि विड्रॉल जो रहता है वो कैंडिडेटचर का रहता है, नॉमिनेशन फॉर्म का नहीं रहता विड्रॉल। अगर किसी भी कैंडिडेट, अगर समझो एक कैंडिडेट के 4 नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं, तो वो आके अगर विड्रॉल दे देता है और विड्रॉल की प्रक्रिया अगर पूरी कर देता है तो वो पूरा आउट ऑफ इलेक्शन हो जाएगा। उसके 4 अर्ज एक्सेप्ट हुए है क्या, 3 एक्सेप्ट हुए है क्या, 1 एक्सेप्ट हुए है, इसी कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन में अभी हमने अभी जैसे बताया कि हमने पूरी पुलिस फोर्स और खुफिया एजेंसी लगाई है, पुलिस की खुफिया एजेंसी, हमने हमारे डिपार्टमेंट की भी खुफिया कुछ तैयार किया है, और सारे देहात में वो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। सिटी में हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, कोई भी गलत काम अगर कोई करता है या कोई अफवाह फैलाता है या कोई सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट डालता है, इलेक्शन प्रोसीजर में अगर कोई बाधा डालता है या कोई भी किसी जात या धर्म या किसी भावना को ठेस पहुँचाने की कोशिश भी अगर कर रहा होगा तो हम बड़ी सख्ती से उनको पेश आएंगे। जितने भी सेक्शन है, जितने भी कायदे है, वो तो सारे उनके ऊपर ठोक देंगे, और इलेक्शन प्रोसीजर में अगर कोई बाधा जानबूझ के डालने की कोशिश कर रहे तो हमको पुलिस को भी हमने इनायत कर दिया। हमने पूरे जिले में बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो बहुत सारे कलम हमने डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिए है, जैसे जमावबंदी किया है, शस्त्रबंदी किया है, सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे बैन डाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस पे ऊपर हमने बैन डाला है, अगर कोई प्रिंटिंग करता है तो
किसने प्रिंटिंग किया, कितने कॉपी प्रिंटिंग किया और उसका कितना खर्चा हुआ है, वो देने का बंधन उनके ऊपर है। अगर बगैर उनके नाम का अगर कोई वहाँ से प्रिंट आउट निकलता है तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है, बहुत सारे सेक्शन है, इसमें जितने भी काम के लिए सोशल मीडिया है, प्रिंटिंग प्रेस है, पब्लिक रैलीज है, इसके सबके लिए जो भी रूल्स है, जो भी प्रावधान है, वो सब ने बड़ी बारकाई से उसका ध्यान देखना है, ध्यान देना है उसकी तरफ, और वो अपने डे टू डे लाइफ में चाहे प्रचार हो, चाहे मीटिंग हो या चाहे कुछ भी काम हो, उसमें उन्होंने उसका पालन करना चाहिए। अगर नहीं किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। नहीं, अभी सीपी साहब ने उसके ऊपर कोई एक आदेश निकाला है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन उन्होंने डाला है, वो सब हमने पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को दे दिया है कि कहाँ यूज कर सकते कहाँ नहीं कर सकते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा बंदोबस्त है उसके लिए तो हम ड्रोन यूज करने वाले हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी कुछ अनुचित प्रकार जानबूझकर कोई अगर वो करता है तो उनके लिए पाबंदी डाल दी गई है।